नमस्ते जी, मैं ऋषि राजार्य सत्यपथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, देव यज्ञ में की जाने वाली प्रत्येक क्रिया एक प्रतीक है जो मानव के किसी ना किसी आध्यात्मिक लाभ को उद्बुद्ध करने में समर्थ है। परंतु आज समाज का दुर्भाग्य है कि प्रत्येक व्यक्ति जो यज्ञ करता है वह मात्र क्रियाओं में उलझ कर रह जाता है। उसे यज्ञ के भावों का ज्ञान ना होने के कारण वह आध्यात्मिक लाभों से वंचित रह जाता है। दोस्तों, महत्व तो इस बात का नहीं है कि हमने यज्ञ कितनी देर तक किया या यज्ञ के लिए हम लोग कितनी देर तक बैठे। महत्व तो इस बात का है कि हमने जितनी देर तक यज्ञ किया, जितनी देर तक हम यज्ञ के लिए बैठे, उतनी देर तक हमारे विचार क्या थे, हमारी भावना कैसी थी, हमारी श्रद्धा कितनी थी। हमने जितने समय तक यज्ञ किया उतने समय तक हमने यज्ञ की क्रियाओं को समझते हुए यज्ञ किया कि नहीं, यज्ञ के भावों को समझा, यज्ञ में जो क्रियाएं होती हैं वो क्यों की जाती हैं, किस लिए की जाती हैं, इन सभी चीजों को समझते हुए हमने यज्ञ किया कि नहीं किया। मित्रों, ब्रह्मा से लेकर स्वामी दयानंद पर्यंत सभी ऋषि मुनि कहते हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञ नहीं करता वह महापापी होता है। अतः प्रतिदिन सभी को ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। दोस्तों, यज्ञ करते समय कुल 16 प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जिनको यज्ञ सोपान भी कहते हैं। इन 16 प्रकार की क्रियाओं को करने से ही मनुष्य में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक लाभों की वृद्धि होती है, जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, जिसमें आचमन, अंग स्पर्श, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, मंत्र, अग्नियाध्यान, अग्नि उद्दीपन, समिताध्यान, पंच घृताहुति, जल सिंचन, आघरा बाहुति, आज्याभागाहुति, प्रातःकालीन चाराहुति, सायंकालीन चाराहुति, उभयकालीन चार व्याहृतियाहुति, उभयकालीन चार सामान्याहुति और पूर्णाहुति। इन 16 प्रकार की क्रियाओं को करने से ही यज्ञ पूर्ण होता है। मित्रों, यज्ञ करने वाले को यज्ञ करते समय 3 प्रकार के यज्ञों का समन्वय करके ही अग्निहोत्र करना चाहिए। पहला, ईश्वर द्वारा प्रतिक्षण हर पल किया जाने वाला ब्रह्मांड यज्ञ। दूसरा, शरीर रूपी अग्नि में किया जाने वाला यज्ञ। तीसरा, भौतिक अग्नि द्वारा किया गया हवन। इन 3 प्रकार के यज्ञों का समन्वय करके ही प्रत्येक व्यक्ति को अग्निहोत्र करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज से इन 16 प्रक्रियाओं पर विचार करेंगे, इनको धारण करेंगे, इनके वैज्ञानिक महत्व को समझेंगे, इन क्रियाओं को क्यों करें, किस लिए की जाती हैं, इनके करने का महत्व क्या है, इनका विधान कहां पर है, इन सभी प्रकार की शंकाओं का समाधान करेंगे इन वीडियो में। तो आइए आज से इन 16 प्रकार की क्रियाओं पर 16 वीडियोज के माध्यम से विस्तृत एक एक पर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे, एक एक चीज पर बिल्कुल वैज्ञानिक विधि से आपको समझाएंगे, आचमन क्या है, अंग स्पर्श क्या है, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना क्या है, इत्यादि सभी विषयों पर आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझाएंगे। तो आइए आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सभी वीडियोज आप देख सकें, यज्ञ की महिमा को आप समझ सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें क्योंकि सत्यपथ के माध्यम से हम आपको ऐसे ही जानवर वीडियोज देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।